अब लालू प्रसाद यादव जी बिहारी से विदेशी बन रहे हैं, बिहार की धरती से अब लगाव कम रहा है, क्योंकि वो सनातन से दूर होते जा रहे हैं और सनातन के संतान अपने बिहारी पहचान को कभी नहीं खोएगा। हर बिहारी का सांस्कृतिक विरासत जो देश को गौरवान्वित किया है, विश्व को शांति दिया है, ज्ञान दिया है, हर बिहारी फिर से वो सनातनी संस्कार को पूरे देश और विश्व के लिए ठहरी हुई विरासत को बढ़ाएगा। हर बिहारी सब प्रभारी ये पुराना मानो। देखिए साल भर के बाद और कोरोना काल के बाद पहली बार खुल करके ये होली हर भारतवासी को, हर सनातन के संतानों को अवसर मिला है प्रकृति से जुड़ने का, प्रकृति के सभी रंगों में रंगने का और प्रकृति से मिलकर चलने का। आज यह तन भी पांच तत्व से बना है, चिति जल पावन गगन समीरा, और फिर ये तन उसी पांच तत्व में मिल जाएगा। ये होली संदेश देता है कि त्याग तपस्या के साथ साथ इस शरीर नश्वर है, शरीर प्रकृति से आया है, प्रकृति में जाएगा, प्रकृति के निकट रहो, प्रकृति से प्रेम करो और प्रकृति के हर संतानों को, हर वरदानों को सम्मान करो, सामाजिक सद्भाव के साथ खुशियां मनाओ। ये प्रकृति तुम्हारे साथ है, वरदानी रूप में रहेगा, प्रकृति का अपमान कहीं न कहीं अभिशाप बनेगा। इस बार का होली विशेष इसलिए है कि आज रामलला अयोध्या में विराजे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामलला को अयोध्या में फिर से निवास आवास दिए हैं और रामलला अब सबसे अपने प्यारे धाम में आएंगे, माँ जानकी के धरती पर। माँ जानकी की धरती बिहार है, बिहार में आगमन के पावन अवसर पर हम ये होली मना रहे हैं और यह होली बिहार में एक नए भाव, एक नए उमंग और हर बिहारी सब पर भारी का भाव से आगे बढ़ेगा, सब विकारों से मुक्त होकर, सब बंधनों को तोड़कर। देखिए ये होली विशेष खास है, बदलते भारत का, विकसित भारत का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये होली खास बना दिया। लोग कहते हैं जोगीरा सारा रारा विकसित भारत, नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास, 21वीं सदी के नए भारत का मजबूत नींव रखने का। ये होली एक महापर्व के रूप में हर भारतीय, हर बिहारी मना रहा है और एक नए परिवर्तन की चाहत का, एक नए उमंग, नए उत्साह के साथ, प्रकृति से प्रेम के साथ ये होली कहीं न कहीं क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा, और ये पंच तत्व का प्रकृति नवो रंग में रंग देगा, जिंदगी के उत्साह उल्लास उमंग के भाव से एक नए वातावरण बना देगा। ये होली एक नए माहौल को खड़ा कर देगा, जातीय जहर के लहर का कहर खत्म करेगा, विकारों से मुक्त करेगा, सभी बंधनों को तोड़कर हर बिहारी सब पर भारी इस बार अपनी सांस्कृतिक विरासत और बिहार के गौरव की पहचान को फिर से उभारेगा और नए भारत के निर्माण में, विकसित बिहार के निर्माण में लगेगा।